अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। कैसे हैं व्यूअर्स साहब? खैरियत से हैं, ठीक ठाक हैं? अल्लाह ताला सबको खुश आबाद रखे। आज मैं आपको अपने एवियरी की जो डव्स हैं उनके पट्ठे दिखाना चाह रहा हूँ कि मेरे पास जो कलेक्शन है पट्ठों की वो कैसी है, कौन कौन से हैं। सबसे पहले मैं इसके से शुरू कर रहा हूँ। इसमें राइट पाइड एक है, बाकी सारी डायमंड पाइड हैं, ये आप देख सकते हैं। बिल्कुल चुपरे बैठे हैं, ये सब टोटली पट्ठे हैं। इसके बराबर में ये भी डायमंड पाइड डव्स हैं, जो पहले दिखाई थी उनसे थोड़े से ये बड़े हैं। एक जगह बैठे हुए आपके सामने, वो भी इंजॉय कर रहे हैं मौसम को। इनका पसंद का मौसम है, यानी कि गर्मी है। ये भी डायमंड पाइड डॉग्स हैं ज़्यादातर, और ये तकरीबन अडल्ट के करीब करीब हैं। एक दो महीने में ये अडल्ट हो जाएंगे। इसमें एक वाइट पाइड भी है, ये आपके सामने है, रेड पाइड भी है, बाकी सारे जो हैं ये डायमंड पाइड। काफ़ी हद तक वॉश हो चुके हैं और मज़ीद ये भी वॉश होंगे। वेरी नाइस, वेरी ब्यूटीफुल, अमेजिंग ब्यूटी। आई लव डॉग, स्पेशली पाइड डॉग। इस केज में जो हैं वो ज़्यादातर सिल्वर डॉग्स हैं, पाइड नहीं है, ये ओनली सिल्वर डॉग्स है। ब्यूटीफुल, वेरी एक्टिव, वेरी हेल्दी। चले, मैंने सोचा ही नन्हे मुन्ने भी दिखा दूँ। ये बस हफ्ता 10 दिन की बात है, बहुत ज़्यादा आप 15 डेज। इनको भी मैं अलग कर दूँगा, इनकी इनकी ग्रोथ बहुत अच्छी होती है, बहुत जल्दी ये बड़े होते हैं और बहुत जल्दी सेल पर आ जाते हैं डब। और इसके बाद ये डायमंड पाइड के पट्ठे थे और ये सिल्वर के पट्ठे हैं, जो भी अपने पेरेंट्स के साथ हैं। विद इन 1 वीक या 5-6 दिन में इनको भी मैं अलग कर दूँगा। ओके व्यूअर्स, उम्मीद करता हूँ आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो ज़रूर कमेंट दीजिएगा, बुरी लगी हो तो जब भी कमेंट दीजिएगा। और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन को क्लिक कर दीजिए, ताकि हर नई आने वाली वीडियो आपको वक्त पर मिलती रहे। बहुत शुक्रिया, गुड बाय, टेक केयर।